Hi everyone. In last class we discussed about the story of village Palampur, जिसके अंदर we studied of factors of production. उसमें से first we had land, then labor, then physical capital, then next was knowledge. तो ये चार हमारे factors हैं और इन सब factors को मिला के आपस में this is known as organization of production. ठीक है. Now next topic is, we studied about activities in Palampur. So there were two type of activities in Palampur, farming and non-farming activities. So first of all, we'll discuss about farming in Palampur. So farming in Palampur के अंदर, इसका मतलब farming का मतलब हम सबको पता ही है, खेती वगैरह से related चीजें होती हैं. Farming के अंदर we have it is 75% of the population. 450 families were there out of which 75% जो लोग थे they were dependent on farming either as land laborers या फिर farmers. Okay, then next topic here arises is there a way one can grow more from the same land. मतलब एक particular मेरे पास इतनी ज़मीन है, कितनी भी हो सकती है, वो measurements को कुछ भी रख लेंगे, इतनी ज़मीन है भाई, उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो मैं इंक्रीज कर सकूं. ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव शुगर केन ऑन अ फील्ड. शुगर केन बो दिया भाई हमने ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ये जो है शुगर केन हो गया. ठीक है, अब शुगर केन के साथ साथ मैंने क्या किया, उसी खेत में थोड़ा सा स्पेस देख के साथ में वहाँ पर पोटैटो भी बो दिया. ठीक है, ऐसा ये इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. एक ही पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाना ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड या फिर फील्ड. द कॉन्सेप्ट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि एक जो हमारा कोई भी लैंड एरिया है उसके अंदर एक हमारा कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी हमारा खेत है, उसके अंदर हाँ ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब एक सीज़न में या पूरे थ्रू आउट द ईयर एक ही क्रॉप होगी. बहुत सारी क्रॉप्स हम बीच बीच में उगाते हैं, कभी गेहूं उगा दिया, कभी आलू, कभी ईख, इस तरीके से. तो वी हैव टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुई हैं ये चीज़ें. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप जो होती है इट इज़ बेसिकली ग्रोन इन जून या जुलाई, एंड रबी क्रॉप्स आर नॉन एज विंटर क्रॉप्स. भाई ये जून जुलाई है तो समर क्रॉप्स हो गई विंटर क्रॉप्स. अब विंटर क्रॉप्स जो हैं इसके मंथ्स होंगे इसके अक्टूबर टू दिसंबर, सिंपल नॉर्मल सी चीज़ है. विंटर हो गया, ये जून का हो गया समर क्रॉप्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे हमारे पास क्या ब्लैक ग्राम या कॉटन, कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. और विंटर क्रॉप या रबी के एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं पीज या फिर मस्टर्ड. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हेयर कम्स इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इनसे भी हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है. कैसे हो सकता है, फर्स्ट थिंग इज एच वाई वी सीड्स. ओके, फिर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव ट्यूबवेल्स, पंप सेट्स या फिर डैम वगैरह हो गई हमारी वाटर इरिगेशन के लिए.
और फार्म मशीनरीज, फार्म मशीनरी मतलब खेत में हम जो जो फार्म में मशीन जो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन, ये वाली जो चीज़ें होती हैं। और ये सब कैसे चलेंगी, डीजल वगैरह से चलेंगी, डीजल या पेट्रोल जो भी कुछ इसमें यूज़ होना है। देन पेस्टिसाइड्स, देन इंसेक्टिसाइड्स, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं दे एड अप इनटू अ फील्ड प्रोडक्शन, कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन होना है उसके लिए ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब व्हाट इज़ दिस HYVC, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। यील्ड का मतलब होता है एक एरिया के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ, ठीक है। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. मतलब एक सीजन के अंदर कितना उस लैंड से मैंने क्रॉप से प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ नोन एज यील्ड। और हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है, हमारी जो वेराइटी, जो हमारा यील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका एक बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है, अगर आपने कभी सुना हो तो बोलते हैं हाइब्रिड वाले जो सीड्स हैं, कि ये जो कुकुम्बर है या फिर ये जो टमाटर है देसी है या फिर हाइब्रिड का है, तो वो जो हाइब्रिड वाले होते हैं देज आर बाय द यूज़ ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। तो दीज वर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, तो दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज नॉर्मन बोरलॉग एंड ही रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन 1970, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से क्या हुआ, जैसे खुद ही ये इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई थी उस टाइम, तो बाय द यूज़ ऑफ HYV सीड्स, जो मैंने आपको मॉडर्न मेथड्स बताए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम खेत के अंदर डालते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, फिर कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई। कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई मतलब जैसे बहुत नए नए मेथड्स आ गए स्प्रिंकल सिस्टम, उससे क्या होता है कि फवारे के हेल्प से पानी को मतलब खेत तक या फिर जो भी आपने उगाया है उस तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा आपका कि जो भी आपका प्लांट है उसकी रूट तक ही सीधा पानी पहुंचेगा, तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन है थर्ड एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, फादर इनके ये हैं, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, और इनके अंदर ये चीज़ें जो है यूज़ हुई थी। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो भी यही चीज़ें आ जाएंगी आपकी, या अगर आपसे पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, या वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसके अंदर आप लिखेंगे अ रिवोल्यूशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द फील्ड्स, और इसके लिए चीज़ें जो यूज़ हुई, मेथड्स दैट वुड यूज वर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज, पूरा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम अप टू 5 मार्क्स। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इनके जो फार्मर्स थे, इन्होंने हमारा सब मतलब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से या फिर जो ग्रीन रिवोल्यूशन से जो मेथड सामने आए, इन सबको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब यूज़ जो इन्होंने किया तो उससे क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन क्या हुआ उससे जो मिट्टी की जो नेचुरल कैपेसिटी थी, पंजाब के फार्मर्स ने उसको एक एरिया पे इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया अपने लैंड एरिया पे कि उसका जो नेचुरल कैपेसिटी थी मिट्टी की वो ख़त्म हो गई।
तो ये सब आपका आता है विल द लैंड सस्टेन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, अब उसमें क्या है आपको उसको तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जो भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा बहुत सारी जो चीज़ें थी, इनका क्या हुआ है ओवर यूज़ हो गया। क्या हुआ भाई ओवर यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट उसका ये हुआ कि आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी का जो है वो लेवल उसका गिर गया। प्लस ट्यूबवेल इरिगेशन वगैरह जो मतलब हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लग गए, तो उससे क्या होगा हमारा जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर जो है उसका कहीं ना कहीं लेवल नीचे गया, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इसमें आपको एक चीज़ सामने, अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर यू हैव द पीडीएफ दैट आई हैव शेयर्ड, उसमें फील्ड का ना कुछ इस तरीके से एरिया दिया हुआ है कि भाई ये पूरे पालमपुर के खेत हैं, इसके अंदर एक छोटा एरिया ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक के पास इतना है। तो ये हमें खुद ही दिख रहा है कि इवन तो नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा है, दिस इज़ एक्चुअली वॉट हैपन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन एरिया के हिसाब से वी हैव फार्मर्स के क्लासिफिकेशन, कितने तरह के हमारे पास फार्मर्स हो गए। अब फार्मर्स के जो हमारे पास टाइप हो गए, एक हो गए हमारे पास क्या होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स, एक हो गए हमारे पास मीडियम फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो हैं मान लो उनके पास इतनी सी ज़मीन है, अब वो इतनी ज़मीन के लिए किसी और की हेल्प तो लेंगे नहीं, मतलब कि जैसे उनको कुछ भी काम करना है इसमें तो वो क्या करेंगे बाय द मैनुअली काम कर लेंगे, उसको ट्रैक्टर वगैरह की बजाय क्या करेंगे वो क्या बोलते हैं उसको हल वगैरह से यूज़ कर लेंगे, बुलक कार्ट्स का यूज़ कर लेंगे, जो भी कुछ मतलब जिस भी तरीके से वो कर सकते हैं, हार्वेस्टर ना लगा के उसको हाथ से काट लेंगे। तो स्मॉल फार्मर है, छोटा लैंड एरिया है, इसके लिए क्या होगा मैनुअली काम कर लेंगे वो लोग। तो इसमें क्या होता है आपके बेसिकली फार्मर प्लस उसकी फैमिली, ये लोग इसको मिलजुल के काम को कर लेते हैं बाय नॉट यूजिंग ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। फिर जो आपके मीडियम फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, वो फार्म लेबरर्स को हायर करेंगे, दे हायर फार्म लेबरर्स, मतलब कि वो जो है किराए पे, क्या मतलब ठेके पे, किराए पे या फिर डेली वेजेस पे, इन सब के लिए किसी और को यूज़ करते हैं कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ काम कर लो एंड दे पे फॉर दैट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई पैसा, कोई भी मैंने खेत बोना है या फिर किसी एक स्मॉल फार्मर को जो है एक खेत की बुआई करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके पास क्या होता है सरप्लस नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है, मैंने बोल दिया तुम्हें सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है भाई जो मैंने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया, अब उसके जो मैंने प्रोड्यूस किया उससे अलग जो चीज़ें बची, मेरा कंजम्पशन जो है कंजम्पशन से अलग जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची ना मेरे पास, दैट आई एम थिंकिंग टू सेल, वो जो है दैट इज़ नॉन एज सरप्लस। भाई मेरा खेत था और उसके अंदर क्या हुआ 10 बोरी गेहूँ हो गए, लेकिन मुझे अपने लिए चाहिए सिर्फ 2 बोरी गेहूँ, ठीक है, तो बाकी जो मेरे पास 8 बोरी गेहूँ बचा दैट इज़ सरप्लस। तो जो सरप्लस होगा वो ज़्यादा कहाँ होगा, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, मीडियम या फिर बिग फार्मर्स, तो इनके पास सरप्लस ज़्यादा होगा तो पैसा इनके पास होगा, तो कैपिटल कहाँ ज़्यादा होगा, मीडियम या फिर बिग फार्मर्स के पास। और जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इनसे क्या करेंगे उधार ले लेंगे, ठीक है, या फिर मनी लेंडर्स से ले लेंगे या फिर बैंक से कोई छोटा मोटा लोन ले लेंगे। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं अपनी जो खेती है उसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब कर्जा करके या फिर उनके पास, क्योंकि इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा खेत अपना सब कुछ अपने आप कर लें, ठीक है।
तो कैपिटल नीडेड में क्या होगा, जो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं ये या तो मीडियम फार्मर से लेंगे या बिग फार्मर से लेंगे या फिर किसी मनी लेंडर ही से लेंगे। और जो मीडियम और बिग फार्मर्स हैं, अब क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, तो सरप्लस प्रोडक्शन होने के लिए क्या होगा, उनके पास पैसा आ जाएगा आराम से, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जब हमने शुरू किया था तो आई टोल्ड यू अबाउट रायगंज, तो वहाँ जो वो लोग बेचने वेचने जाते हैं उसको, जो भी हमारा सरप्लस बचा है उसको वो लोग बेचने जाते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर वी हैव फर्स्ट थिंग दैट इज डेयरी। डेयरी ये दूध से रिलेटेड, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गांव के अंदर जो हमने कुछ भी एक छोटा सा सेटअप किया है, जैसे फॉर एग्जांपल जैगरी मेकिंग मशीन। अब इसको थोड़ा सा, अगर जैगरी को तुम्हें पता हो, गुड़ कहते हैं, और जो गुड़ की पूरी आपकी सेटअप होता है उसको बोलते हैं कोल्हू, ठीक है। या फिर छोटे ही हमारे यहाँ शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में, हमारे यहाँ शॉपकीपर्स जो हैं वो भी तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। और प्लस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे जो भी ये क्या कहते हैं इनको, रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, जीप्स चल रही हैं, थोड़ा टैक्सी वाला काम चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर अंडर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो हेयर द चैप्टर इज फिनिश्ड। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपसे मेन टॉपिक्स या जो मेन चीज़ें जो आपसे पूछी जानी है, सबसे पहले तो है जो आपके PHCs होते हैं उन, वो कौन सेटअप करता है, वो कहाँ से होते हैं, क्या इनका सिस्टम होता है। देन सेकेंड इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, देन ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आ सकता है आपसे सीधा सीधा, देन वॉट इज दैट, हाँ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर कैपिटल कहाँ से अरेंज होता है, देन डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इसके अंदर आपसे फार्मिंग नॉन फार्मिंग कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका बेचा कहाँ जाता है उसको, ये वाली चीज़ है। उसके बाद एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे कि वी हैव अ स्मॉल फार्मर नेम्ड रामू एंड रामू यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर हार्वेस्टिंग, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल यूज़ करता है, तो उसमें लास्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसे सिचुएशन 4-5 लाइन्स और देके कि वो किस टाइप का फार्मर है, या फिर वो कैपिटल कहाँ से लेके आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मे बी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो हेयर इट इज़ फिनिश्ड, थैंक यू।